अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने आज असतेजा ब्रदरी से कहा है कि रियासती हुकूमत दानिस्ता तौर पर इनकी तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर नहीं कर रही, बल्कि मरकजी हुकूमत कई दिनों से तेलंगाना को हासिल होने वाले फंड्स को रोक दिया है, जिसकी वजह से असतेजा को हर माह एक तारीख को तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में आज असतेजा की तंजीम स्टेट टीचर्स यूनियन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव ने तनख्वाहों में ताखीर के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के लिए 40,000 करोड़ रुपये के फंड जारी करना है, लेकिन वो फंड्स की इजराई को रोक दी है, जिसकी वजह से असातेज़ा और दिगर मुलाजमीन को 10 तारीख को तनख्वाहें अदा करना पड़ रहा है। इससे पहले 6 साल तक सरकारी मुलाजमीन को 1 तारीख को तनख्वाहें अदा की जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से ही इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हरीश राव ने असातेज़ा को तयखुन दिया कि इनके मसाइल की यकसोई की जाएगी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव भी असातेज़ा के मसाइल हल करने संजीदा है। असातेज़ा की तरक्कियों और तबादले का अमल भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ईदगाह नारायणपेट की तामीर व तौसी के लिए संगे बुनियाद की तकरीब मुनक़िद हुई। इस सिलसिले में रुकन असेंबली नारायणपेट एस राजेंद्र रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी करते हुए ईदगाह नारायणपेट की तामीर व तौसी के कामों के लिए 2,05,00,000 रुपए की लागत से संगे बुनियाद रखा। तकरीब की सरपरस्ती अलहाज मोहम्मद नवाज मूसा ने की, जबकि सदारत सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी सजादा नशीन बारगाह तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने की। तकरीब की निगरानी अब्दुल सलीम एडवोकेट ने की। इस प्रोग्राम में सदा नशीन बल्दिया गंदे अनुसैया चंद्रकांत के अलावा मुस्लिम अरकान बल्दिया, मुस्लिम सियासी व समाजी कायदीन ने शिरकत की। वाज रहे कि रुकन असम्बली ने अपने काविशों के जरिए ईदगाह की तामीर व तौसी के लिए 2,05,00,000 रुपये की रकम मंजूर करवाई है। रियासत में शाये होने वाले छोटे उर्दू अखबारात व रिसाइल के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी हुकाम की जानिब से हर साल उर्दू फरोग के लिए मुतारफ करदा माली इयानत स्कीम के तहत फीकस सहाफी के लिए साबिका में 5,000 रुपये इजरा किए जाते थे। वादा सहाफती अंजुमनों की कामयाब नुमाइंदगी पर इस रकम को 8,000 रुपये तक कर दिया गया है। इस सिलसिले में जारिया साल माह जनवरी के दौरान तमाम रियासती उर्दू छोटे अखबारात व रिसाइल से इस स्कीम के तहत दरख्वास्तें तलब की गई थी, ताहम महकमे फाइनेंस के पास बजट की कमी के बायस इन रकमात की तकसीम अमल में नहीं लाई गई। सीनियर सहाफी रफीक शाही की जानिब से मीडिया के जरिए इस खसूस में तवज्जो मबजूल करवाई गई। रियासती तेलंगाना स्टेट अकेडमी की जानिब से 23 दिसंबर को इस स्कीम के तहत जुमला 231 रियासतों के छोटे उर्दू अखबार व रिसाइल के लिए 18,48,000 रुपये और इस तरह 11 नवंबर 2022 के दिन मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मरहूम की योम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू अखबार के लिए एक इश्तहार जारी किया गया है। फीकस एक अखबार इश्तहार मुबलिक 10,000 रुपये की इशात अमल में लाएगी, जिसके लिए जुमला 229 अखबार व रिसाइल के लिए 22,90,000 रुपये की मुतालिका अखबार व रिसाइल के नाम पर कायम मुतालिका बैंक अकाउंट्स में इजरा करदा रकमात की मुंतकली के लिए उर्दू अखबार व रिसाइल के लिए रकमात की मंजूरी अमल में लाए जाने पर सीनियर सहाफी रफीक शाही ने तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी सदरनशी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। एमएस एजुकेशन एकेडमी ने अपने जूनियर कॉलेजेस के तुलबा के लिए शहर हैदराबाद में 3 प्लेग्राउंड्स पर सालाना मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया है। इस मौके पर तुलबा के लिए एक रोजा खेलकूद के मुकाबलों और तालिबात के लिए फूड फेस्टिवल का अहतमाम किया गया। इन मुकाबलों में शहर हैदराबाद में खायम एमएस के तमाम जूनियर कॉलेजेस के तुलबा ने हिस्सा लिया। जूनियर कॉलेज के लड़कों ने फुटबॉल, क्रिकेट और रसाकशी के मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिनका अहतमाम रेड हिल्स प्ले ग्राउंड नामपल्ली, देवड़ी खुर्शीद जा ग्राउंड और उजाले शाह ग्राउंड सईदाबाद में किया गया। रेड हिल्स प्ले ग्राउंड पर एमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद, देवड़ी खुर्शीद जा ग्राउंड पर सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मुअज्जम हुसैन और उजाले शाह ग्राउंड पर डायरेक्टर मोहम्मद गौस ने स्पोर्ट्स मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने कहा कि तुलबा में तालीम के साथ ही साथ खेल कूद के शौक को परवान चढ़ाने के लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी कायम की जाएगी और यहाँ तुलबा को बेहतरीन कोचिंग के जरिए कौमी व बैनुल अक्वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद मुअज्जम हुसैन ने कहा कि हाल ही में एमएस जूनियर कॉलेज के एक तालिब इल्म अंसारुद्दीन ने किक बॉक्सिंग के कौमी सतह के मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, इससे जाहिर होता है कि हमारे बच्चों में काफी टैलेंट है। तेलंगाना मारारेडी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा है कि अकलियतों को सब्सिडी लोन की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने मजीद
70 करोड़ रुपए मंजूर करने से इत्तेफाक किया है, जिस पर चेयरमैन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर अखिलेती बहबूद कोपला ईश्वर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ हुए इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सब्सिडी लोन फराहम करने के लिए मजीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने पर रजामंदी जाहिर की है। एक बयान में चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर अखिलेती बहबूद के ईश्वर ने फाइनेंस कॉरपोरेशन के इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 और 2 जुमरे के सब्सिडी कर्जों को दिया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत ने पहले ही 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और अब मजीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने से इत्तेफाक किया। टॉलीवुड में एक और सानहा पेश आया। 2 दिन पहले नवरसा अदाकारा कीकला सत्यनारायण का देहांत हो गया था। सीनियर अदाकारा चलपत्ती राव 78 साल का इंतकाल हो गया। वह कुछ अरसे से बीमार और इतवार की अलग सुबह हैदराबाद में वाकई अपनी रिहायशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इनका एक बेटा रवि बाबू और बेटियां मालिनी देवी और श्रीदेवी है। चलपति राव 8 मई 1944 को कृष्णा जिले के बालीपारू में पैदा हुए। इन्होंने अपनी फिल्म करियर का आगाज 1966 में सुपरस्टार कृष्णा की फिल्म ग्रहचारी 116 से किया। इन्होंने 1200 से ज्यादा फिल्मों में मावून अदाकार, विलेन और कॉमेडियन के तौर पर काम किया। मशहूर अदाकार NTR से जूनियर NTR तक वो 3 नस्लों के हीरोज के साथ काम किया। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचा दी। ताहाल 28 अफराद की अमवात की इतलात है। तूफान की वजह से जहां अमवात हुई है, वहीं लाखों अफराद की मामूलाते जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। शदीद बर्फबारी की वजह से कई मुकामात पर बर्फी सरबराही बंद हो गई। इस तूफान ने सबसे ज्यादा बफिलो और न्यूयॉर्क शहर को मुतासिर किया है। इसी दौरान तूफान के असर से करीब 2700 परवाजों को मनसूख कर दिया गया, जबकि कई तैयारों का रुख मोड़ दिया गया। तूफान और शदीद बर्फबारी की वजह से मौसम काफी सर्द हो गया। शहर हैदराबाद में मामूली रकम के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात बालनगर इलाके में पेश आई। मजदूर पेशा काशीराम और श्रीनिवास के दरमियान 400 रुपये के लिए झगड़ा हुआ। नरसापुर चौराहे के पास इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। काशीराम ने श्रीनिवास पर लाठी से हमला करके इसे चलती गाड़ी के सामने ढकेल दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। पुलिस मुकामी वाकये पर पहुंच गई और नाश को बगर्ज पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल करके छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।